छोटा सा स्टैंड का गेट है और यहाँ पे रोज कुछ नहीं कुछ तो होता है, अलग एकदम अलग तरीके से यहाँ पे होता है। और अभी तो लग रहा था कि एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा, बच गए हम दोनों भाई लोग। तो हेलो एवरीबॉडी, अभी हम लोग जा रहे हैं पाव बोटी खाने। पाव बोटी और क्या है रही था उसके अंदर सीख रही थी ना सीख। और ये हमारे दो मोहित भाई। ब्रदर हम लोग जा रहे हैं कैंट में सीख रोटी खाने। कैंट में गोरा का स्थान पड़ता है, उधर बहुत मतलब अजीबो तरीके का सब होता है। तीन तीन जो भी होता है तो बच कर वहाँ से निकल सके ना निकल सकते। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे और रास्ते ही में हम लोग की गाड़ी स्लिप हो गई थी और गड्ढे में चली गई थी, तो हम लोग का रिकॉर्ड हो नहीं पाया था वॉइस, तो बच गए हम लोग। तो आगे देखिए वीडियो। देखो गाइस ये गोरा का स्टैंड का गेट है और यहाँ पे रोज कुछ नहीं कुछ तो होता है, अलग एकदम अलग तरीके से यहाँ पे होता है गाइस। और अभी तो लग रहा था कि एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा, बच गए हम दोनों भाई लोग। दो स्कूटी से गाइस ये गोरा कब्रिस्तान की तवाल है, तवाल तवाल है। चाइनीज दीवाले हैं, आज चने कम से कम 500 साल हो चुके हैं दीवालों को, इसी तरीके से अभी तक नहीं सकता। अंग्रेजों के सब आते किए गाइस, कॉल आ गया किसी का, कुछ नहीं वाले हैं, बस थोड़ी देर थोड़ा है ना थोड़ा। गाइस कैंट से निकाला है अपनी सिटी में, अब हम लोग जाएंगे कैंट में, नहीं जाएंगे इधर जाएंगे बोटी खाएंगे, इधर जाके बोटी खाएंगे, इधर कैंट में नहीं जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग ने कैंट से वापस ले लिया है, वहाँ पे हम लोग गिरते गिरते बचे गाइस, तो डर लगा तो हम लोग को ऐसा एहसास हुआ कि अभी हम लोग छोटे हैं, चाहे गाँव में खाओ खुद ही जो दूर ना जाओ कुछ भी हो सकता है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं, ये हमारे सरफराज भाई। ये बॉय ये क्या है भाई, तो गाइस अब पता चला है कि हवा क्यों कम थी, हवा के चक्कर में हम लोग गाड़ी स्लिप हो गई थी ना। पीछे करिए भाई, बड़ी जल्दी यहाँ निकल जा यार। तो गाइज आ गए घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय।